Hello everyone, this is Neha Srivastav and you are going to study about phylum Protozoa. Okay, so first of all, we will study about general characters of Protozoa, then after classification of Protozoa. Okay. So phylum Protozoa, as word Protozoa may inbuilt hai. Protozoa is made up of two words, two Greek words, that is protos and zoon. Protos means first. Zoon का मतलब है animals, यानी कि first animals. Protozoans are primitive animals. These are first animals. और जो protozoans acellular होते हैं, protozoans are acellular animalcules. Acellular animalcules means ये ऐसे animalcules हैं जिनकी पूरी की पूरी body सिर्फ एक cell से बनी हुई होती है और इनमें tissue नहीं होता है. Without tissue क्या नहीं होता है? Tissue नहीं होता है और organ नहीं होते हैं. Tissue और organ नहीं होते हैं. इसमें एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं. एक भी न्यूक्लियाई हो सकता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियाई भी हो सकता है और ये कभी कभी सिंगल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और कॉलोनीज बना के भी रहते हैं. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कि प्रोटोजोवंस आर माइक्रोस्कोपिक एनिमलक्यूल्स. दीज आर माइक्रोस्कोपिक एनिमलक्यूल्स. ऑर्डिनरी हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. ओके, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स प्रोटोजोअन्स क्या है? सिंपलेस्ट है, मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स हैं. यूनिसेलुलर, जैसा कि भी बताया था, एसेलुलर. दीज आर यूनिसेलुलर बॉडी. इनकी बॉडी एक सेल की बनी होती है, सिंगल सेल की बनी होती है इनकी बॉडी. इनकी बॉडी में एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और जो कि मोनोमॉर्फिक और डाइमॉर्फिक हो सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय मोनोमॉर्फिक? मोनोमॉर्फिक मीन्स कि शेप एंड साइज और मॉर्फोलॉजी न्यूक्लियस का वो सेम होता है. मोनोमॉर्फिक मतलब शेप एंड साइज सेम होता है. शेप एंड साइज सेम होता है. और सिमिलरली डाइमॉर्फिक में क्या होता है कि न्यूक्लियस का शेप और साइज डिफरेंट हो सकता है. न्यूक्लियस का शेप एंड साइज डिफरेंट होता है डाइमॉर्फिक में. ओके, सिंगल बॉडी परफॉर्म्स ऑल वाइटल एक्टिविटीज. जो इनकी सिंगल बॉडी है, जो सिंगल सेल बॉडी है, वो सारे वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म करती है जैसे कि एनिमल बॉडी में होते हैं. ये उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है. और स्यूडोपोडिया, फ्लैजेला एंड सीलिएटा, दीज आर द लोकोमोटर ऑर्गन. थ्री टाइप्स के लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, स्यूडोपोडिया, फ्लैजेला एंड सीलिया. आगे हम पढ़ेंगे स्यूडोपोडिया, फ्लैजेला और सीलिया के बारे में. और इनमें चल देख लेते हैं एक बारी. स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अमीबा में है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर स्यूडोपोडिया का. ओके, दीज आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर स्यूडोपोडिया. ठीक है. और फ्लैजेला, फ्लैजेला जैसे कि यूनिना में है फ्लैजेला. ठीक है. एंड सीलिया, दीज फ्लैजेला इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज present in urina. And cilia, it is present all over the body of organism, for example paramecium, like paramecium. Okay,
क्या इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ये एसेलुलर एनिमल क्यूल्स होते हैं, इनमें टिश्यू नहीं होता है, इनमें ऑर्गेन नहीं होते हैं, और इनकी बॉडी हैविंग वन और मोर न्यूक्लियाई, इनकी बॉडी में एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं, दे एग्जिस्ट इन सिंगल और इन कॉलोनीज, ये सिंगल और कॉलोनीज में भी एग्जिस्ट होते हैं, दीज आर मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स, ये बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, यानी कि प्रिमिटिव मीन्स प्राचीन, फर्स्ट एंशियंट, दीज आर फर्स्ट एनिमल्स, दीज आर एंशियंट एनिमल्स, एनिमल क्यूज यूनिसेलुलर, इनकी बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी होती है, डाइमॉर्फिक भी हो सकती है, मोनोमॉर्फिक भी हो सकती है, डाइमॉर्फिक मीन्स की जो न्यूक्लियस होगा इनकी बॉडी में उसका शेप एंड साइज सेम होगा, और डाइमॉर्फिक मीन्स द शेप एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस इज डिफरेंट. ओके, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल वाइटल एंड एसेंशियल एक्टिविटीज लाइक एनिमल बॉडी, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, दीज आर वाइटल एंड वाइटल एक्टिविटीज, वो सिर्फ सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है. लोकोमोटरी ऑर्गेन होता है, लोकोमोटरी ऑर्गेन एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ऑर्गेनिज्म को पहुंचाने के लिए इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेन प्रेजेंट होता है, और लोकोमोटरी ऑर्गेन थ्री टाइप का होता है, एक सुडोपोडिया, फ्लैजेला एंड सीलिया. सुडोपोडिया is finger-like structure, finger-like projection. Flagella is thread-like structure, and cilia is hair-like structure. सीलिया हेयर लाइक होता है. ये देखिए, ये दीज आर द स्यूडोपोडिया अमीबा, एंड ये है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस इज फ्लैजेला. These structures are known as pseudopodia, and these hair-like structures which are present all over the body of animal are cilia. Okay, so nutrition in mein four types ka hota hai. First hai holozoic nutrition, second hai holophytic nutrition, थर्ड है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, एंड लास्ट वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स, होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन लाइक एनिमल्स, मतलब ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, ये क्या करते हैं, ये दूसरों के फूड पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए. फॉर एग्जाम्पल, या तो ये डिपेंडेंट होंगे ऑन अदर एनिमल्स या फिर प्लांट्स. ओके, ये लाइक होलोजोइक मीन्स लाइक animals, like animals. Holozoic means like animals. Holophytic, holophytic, जैसे कि इसमें फिटिक फिटिक है तो हम समझ गए होंगे कि फिटिक मीन्स की प्लांट से, प्लांट की तरह से. होलोफिटिक मीन्स लाइक प्लांट्स, लाइक प्लांट्स. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, photosynthesis, by the process of photosynthesis, they make their food by the process of photosynthesis, these animals are called as holophytic. In these types of animals, holophytic nutrition is present. Okay, saprozoic nutrition means, saprozoic nutrition क्या होता है, saprozoic means कि ये they gain their food by the dead and decay matters, dead and decay matters से ये अपना food बनाते हैं, they gain their food, gain their food by dead and decay matters. Understand? And the last fourth one is parasitic. ये depend होते हैं दूसरे animals पर अपने food के लिए.
डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स, ठीक है। तो एक होस्ट होता है जिस पर ये पैरासाइट होते हैं, ओके। सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ जाएगा, दीज आर माइक्रोस्कोपिक, ए सेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इनमें टिश्यू एंड ऑर्गेन नहीं होता है, ये सिर्फ सिंगल सेल के बने हुए होते हैं और ये एक्वाटिक होते हैं और सिंगल रहते हैं या फिर कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, ये सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं और ये मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, यूनिसेलुलर हैं, इनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है, बॉडी इनकी डाइमॉर्फिक भी हो सकती है, मोनोमॉर्फिक भी हो सकती है। डाइमॉर्फिक मींस कि न्यूक्लियस का शेप एंड साइज डिफरेंट होगा, मोनोमॉर्फिक मींस कि न्यूक्लियस का शेप एंड साइज सेम होगा। सॉलिटरी होते हैं ये एनिमल्स, सॉलिटरी होते हैं या फिर लूज कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं, ओके। सॉलिटरी मींस कि अकेले रहते हैं, अलोन। सिंगल सेल बॉडी परफॉर्म ऑल वाइटल एक्टिविटीज एंड एसेंशियल एक्टिविटीज इन एनिमल्स, एनिमल बॉडी की तरह से सिंगल सेल बॉडी सारी वाइटल एक्टिविटीज एंड एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेन प्रेजेंट होता है और वो 4 टाइप का होता है, दैट इज स्यूडोपोडिया, फ्लैजेला एंड सीलिया, और एंड सीलिया 3 टाइप्स के होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन, सॉरी स्यूडोपोडिया, फ्लैजेला एंड सीलिया। स्यूडोपोडिया अमीबा लाइक अमीबा में प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ये, और इन्हीं से ये अपना फूड गेन करते हैं। स्यूडोपोडिया एंड यूग्लिना में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम फ्लैजेला बोलते हैं, एंड लास्ट वन इज सीलिया विच इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी एंड दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर। न्यूट्रिशन इनमें प्रेजेंट होता है होलोजोइक, होलोफिटिक, सैप्रोजोइक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन लाइक एनिमल्स में जिस तरह से न्यूट्रिशन होता है, जैसे वो अपना न्यूट्रिशन करते हैं, डिपेंड्स दूसरे मैटर्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, जैसे कि एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, वैसे ही कुछ प्रोटोजोअन्स होलोजोइक होते हैं, वो दूसरे प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। होलोफिटिक न्यूट्रिशन मींस ऐसे प्रोटोजोअन्स जो कि फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे मेक देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स, तो दिस टाइप का न्यूट्रिशन कहलाता है होलोफिटिक न्यूट्रिशन। एंड सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स कि ऐसे प्रोटोजोआ जो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डीके मैटर से गेन करते हैं, उस टाइप का न्यूट्रिशन कहलाता है सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन मीन्स कि ये अपना न्यूट्रिशन होस्ट की बॉडी से गेन करते हैं और ये दूसरे एनिमल्स पे जिन पे ये पैरासाइट होते हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू जनरल सरफेस और बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, तो इनमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जनरल सरफेस के थ्रू होता है या फिर बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन वर्क होता है ऑस्मोरेगुलेशन का। ओके, यहाँ पर जैसे कि अमीबा में सपोज ये अमीबा है, इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, फूड वैक्यूल्स हैं, ठीक है, और दीज आर द स्यूडोपोडिया, ठीक है, दीज आर द स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया का काम लोकोमोशन में होता है, फूड को गेन करने के लिए होता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन काम होता है ऑस्मोरेगुलेशन का। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है कि जो भी वाटर या फिर सॉल्ट कंटेंट होता है उसको रेगुलेट करना, उसको मेंटेन करना इन द सेल, इन द एनिमल, ओके।
ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है कि सॉल्ट एंड वाटर कंटेंट को इनसाइड द सेल मेंटेन रखना. ओके, सॉल्ट एंड वाटर कंटेंट को इनसाइड द सेल मेंटेन रखना या रेगुलेट करना या मेंटेन करना. ऑस्मोरेगुलेशन इज रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर content inside the cell. Okay, so these are the process of inside the cell. Respiration and excretion in the general surface ke through hota hai ya fir contractile vacuoles ke through hoga. Aur contractile vacuoles ka main kaam kya hota hai? Osmoregulation ka hota hai, yani ki wo regulate karte hain salt and water content ko body ke andar. Jo cell hoti hai uske andar, kyunki ye single cell hote hain, cell ke andar salt and water content ko regulate karna ya maintain rakhna. Okay, रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल होता है, बाइनरी और मल्टीपल फिजन से भी हो सकता है. रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, बाइनरी, एसेक्सुअल दैट इज बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. ओके, तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल या फिर बाइनरी या फिर मल्टीपल फिजन के थ्रू भी हो सकता है या फिर बडिंग के थ्रू भी हो सकता है. और रिप्रोडक्शन सेक्सुअली भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एग्जिस्ट करता है. रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बाय बडिंग. And second type of reproduction is sexual reproduction. जो asexual reproduction होता है इनमें, उसमें क्या होता है कि उसमें fusion of gametes नहीं होता है. asexual reproduction में fusion of gametes नहीं होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है. फ्यूजन ऑफ डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. इसका मतलब है कि इनमें क्रोमोसोम्स का फ्यूजन नहीं होता है या फिर क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होते हैं. ठीक है, तो फिर क्रोमोसोम्स भी, नो चेंज इन क्रोमोसोम्स, नो चेंज इन क्रोमोसोम्स. ठीक है, जो भी इनमें इनके ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो सिंगल ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, उनमें गैमेट्स के फॉर्मेशन के बिना. ठीक है, इनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो बिना गैमेट के फॉर्मेशन के बन जाते हैं सिंगल सेल्स. ओके, तो दिस टाइप का रिप्रोडक्शन कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और चेंज इन द क्रोमोसोम्स. बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन में क्या होता है? बाइनरी फिजन, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो भी सेपरेशन होता है बॉडी का वो टू न्यू बॉडीज में होता है. सेपरेशन ऑफ बॉडी इनटू टू न्यू बॉडीज
सेपरेशन ऑफ इन द बाइनरी फेज सेपरेशन ऑफ बॉडी इनटू टू न्यू बॉडीज, उनकी बॉडी का जो सेपरेशन होता है वो दो नई बॉडियों में होता है, यानी कि एक बॉडी का सेपरेशन होने के बाद दो न्यू बॉडी बन जाती हैं, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करता है, ठीक है, डुप्लीकेट करता है जेनेटिक मटेरियल को। तो डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओके। तो कैसे होता है, एक बॉडी में जेनेटिक मटेरियल में डुप्लीकेशन होता है, फिर उसके बाद बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और उसके पहले डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, दो डीएनए बन जाते हैं और टू पार्ट्स में बॉडी डिवाइड हो जाती है। बॉडी का साइटोप्लाज्म दो अलग अलग साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है, और इस तरह से दो अलग अलग इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। इसमें फोर स्टेप होते हैं बाइनरी फिजन के। फर्स्ट है आपका रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, replication of DNA, and second step is growth of a cell, growth of a cell, and third step is segregation of DNA, and fourth step is आपका splitting of cells, यानी कि cell अलग हो जाती हैं, पेरेंट्स पेरेंट सेल दो अलग अलग सेल में अलग हो जाएगी, स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स, ओके। तो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए में हम समझ ही गए, ग्रोथ होता है फिर सेल का, फिर सेग्रीगेशन होता है डीएनए का, फिर उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ सेल होता है। जैसे कि आपका अमीबा में होता है, अमीबा में सपोज ये एक पेरेंटल सेल है, this is a parental cell and this is nucleus, this is nucleolus, this is nucleus, this is nucleolus, this is parental cell, and these are the food vacuoles, okay, and these are contractile vacuole, ठीक है। तो ये आपका हो गया nucleus and ये contractile वैक्यूल्स, ये आपके छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स, ठीक है, और ये आपके सीडोपोडिया हो गए, ओके। तो ये फर्स्ट है, ये क्या है, ये आपकी पेरेंट सेल है, ये प्रोसेस जो मैं पेरेंट से ले ये, इसका ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, ठीक है। तो रेप्लिकेशन डीएनए का होगा मतलब क्या है कि इसमें डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और इसका न्यूक्लियस का इलोंगेशन होगा। तो सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस का इलोंगेशन हुआ, देन आफ्टर तो ये फर्स्ट प्रोसेस है। सेकेंड प्रोसेस में इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। थर्ड प्रोसेस है आपका डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो यहां पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो इसमें जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन हो जाएगा और न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर टू अलग अलग ऑर्गेनिजम्स डिवाइड हो जाएंगे, जिसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होंगे,
और आपके फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे और सुडोकोडिया भी प्रेजेंट होगा, तो इस तरह से टू डॉटर सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा इससे। ओके, तो एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। द थर्ड प्रोसेस जो है आपकी, थर्ड प्रोसेस इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस के डिवीजन के साथ साथ इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी होता है। ये प्रोसेस होती है आपकी बाइनरी फिजन की, ये बाइनरी फिजन इन अमीबा, प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा। ओके, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फ्यूजन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। इसमें क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट से डॉटर सेल्स बनेगी, या डॉटर सेल्स बनती है, जैसे कि कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन में जो सेल्स होती है उनमें एक उनमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स से अपने एक सेल से दूसरे सेल में अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से एक सेल से दूसरे सेल में अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं। इस तरह से इनमें फ्यूजन होता है गैमेट्स का, उसके बाद डॉटर सेल्स बनती है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द क्लासिफिकेशन। फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेन के बेसिस पे फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें फोर क्लासेस इनके दिए हुए हैं, फोर क्लासेस में इनका क्लासिफिकेशन है। फाइलम प्रोटोजोआ फोर क्लासेस में डिवाइड है। फर्स्ट क्लास है इसका, दीज आर क्लासेस and these are characters and these are examples। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास है मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा फ्लैजिलेटा, जैसे कि हमें इससे पता ही चल रहा है कि फ्लैजिलेटा, तो इन जो मैस्टिगोफोरा क्लास में जो एनिमल्स रखे गए हैं उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट। सेकेंड आपका क्लास है सार्कोडिना, एंड थर्ड क्लास है आपका सैपोजोआ, एंड फोर्थ क्लास है आपका सीलिएटा और सीलियोफोरा। ठीक है, मैस्टिगोफोरा क्लास के कैरेक्टर्स जो है वो मैस्टिगोफोरा के जो आपके एनिमल क्यूज हैं या फिर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका, वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। एक्वेटिक मींस कि ऐसे एनिमल्स फ्रेश वाटर में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, सी वाटर में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ये दूसरे होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, और म्यूचुअलिस्टिक भी हो सकते हैं, यानी कि उसको नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। यानी कि इनको हम बोल सकते हैं कि इनका हैबिटेट कैसा होता है, इनका हैबिटेट होता है मल्टीपल हैबिटेट। ठीक है, तो एक्वाटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, न्यूट्रलिस्टिक भी होते हैं। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। लोकोमोटर ऑर्गन क्या होता है, फ्लैजेला होता है। न्यूट्रिशन इनमें होलोफिटिक होता है, होलोजोइक होता है और मिक्सोट्रॉफिक होता है। होलोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब है होलोफिटिक न्यूट्रिशन। होलोफिटिक न्यूट्रिशन, जैसे कि इसे समझ ही आ रहा है, लाइक
प्लांट्स मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस यानी कि अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइक प्लांट्स ओके एंड होलोजोइक मीन्स होलोजोइक लाइक एनिमल्स। होलोजोइक मीन्स कि ये अपना फूड एनिमल्स की तरह गेन करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं दूसरे मैटर्स पे या दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे खुद के फूड के लिए। ठीक है, तो इस टाइप का न्यूट्रिशन कहलाता है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है बाय बाइनरी फ्यूजन। इनके एग्जाम्पल्स हैं यूरिना, लीशमैनिया, ट्राइकोनिम्फा, ट्रिपैनोसोमा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैस्टिकोफोरा क्लास। ओके, सार्कोडीना क्लास। सार्कोडीना क्लास, इन सार्कोडीना क्लास जो इनका एनिमल्स का या फिर जो ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट होता है वो एक्वेटिक होता है और पैरासिटिक भी होता है, यानी कि ये वाटर बॉडीज में भी रहते हैं और ये पैरासाइट भी होते हैं दूसरे एनिमल की बॉडीज में भी रहते हैं। इनका लोकोमोशन ऑर्गेन होता है सुडोपोडिया। ये सुडोपोडिया के थ्रू लोकोमोशन करते हैं, जैसे कि अमीबा में हमने भी पहले पढ़ा भी है। इनमें न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक होता है, मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द अदर एनिमल्स फॉर फूड, डिपेंड्स अपॉन द अदर एनिमल्स फॉर फूड। ओके, एंड इनमें न्यूट्रिशन होता है हेट्रोफिटिक, यानी कि अपने फूड के लिए किसी दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। और रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है बाय बाइनरी फिशन। ओके, इनके एग्जाम्पल्स है अमीबा, एंट अमीबा। और एक और एग्जाम्पल है, इनके एग्जाम्पल्स में एक आता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोअल पैरासाइट है, जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पे पैरासाइट भी होते हैं। और ये एक डिजीज कॉज करता है जो कि बहुत ही कॉमन है, आप सब लोगों ने सुनी भी होगी, डायरिया। ओके, सो नेक्स्ट क्लास है आपका सैप्रोजोआ। सैप्रोजोआ क्लास में पैरासाइट्स आते हैं जो कि दूसरे एनिमल बॉडी पर डिपेंडेंट होते हैं खुद के फूड के लिए और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि इनमें न्यूट्रिशन पैरासिटिक होता है। और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इनका शेप जो है वो डेफिनेट होता है। इनका शेप कैसा होता है? डेफिनेट होता है इनका शेप, डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप होता है। और सार्कोडीना का शेप कैसा होता है? इनडेफिनेट होता है। सार्कोडीना का शेप कैसा होता है? इनडेफिनेट होता है। और मैस्टिकोफोरा क्लास के जो एनिमल्स हैं उनका शेप भी डेफिनेट होता है। ओके, तो इसमें इनडेफिनेट होता है, इसमें डेफिनेट शेप होता है, इसमें भी डेफिनेट शेप होता है। रिप्रोडक्शन बायसेक्सुअल होता है इसमें। और प्लाज्मोडियम है, इसका एग्जांपल बेबेशिया बेजेमिनम एक ऑर्गेनिज्म है और होमोसिस्ट है। अभी डिजीज हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से प्रोटोजोआ से कौन से डिजीजेस होती है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। सीलिया, सीलिएटा,
एंड सीलिया फ्लोरा, ये क्लास से हमें पता ही चल रहा है कि इनके जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें सीलिया प्रेजेंट होता है एज अ लोकोमोटरी ऑर्गेन। तो सीलिएटा का जो कैरेक्टर है, सीलिएटा क्लास के जो एनिमल्स का कैरेक्टर है वो है एक्वाटिक पैरासिटिक। एंड इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो हेटरोट्रॉफिक होता है न्यूट्रिशन, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्शुअली भी होता है एंड एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। और इनमें सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो हम आपको अभी बता ही चुके हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। इनका न्यूट्रिशन हेट्रोफिटिक होता है, हेट्रोफिटिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक सॉरी, हेट्रोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, मिस्टेक हो गई है, हाइट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। हाइट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बता चुके हैं कि ये अपने फूड के लिए किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं। और इसका इस क्लास से एग्जाम्पल है आपका पैरामीशियम, वर्टिसेला एंड ब्लैंटिडियम कोलाई। ओके, तो पैरामीशियम वर्टिसेला को हम बेल एनिमल क्यूल भी कहते हैं। ठीक है, तो एक जल्दी से रिविजन कर लेते हैं हमारे क्लासिफिकेशन का। तो जो प्रोटोजोआ फाइलम है उसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेन, फोर क्लासेस में डिवाइड होता है प्रोटोजोआ फाइलम। फर्स्ट वन इज मैस्टिगोफोरा और फ्लैजेलेटा एंड सेकेंड वन इज सार्कोडिना एंड थर्ड वन इज सैप्रोजोआ एंड फोर्थ वन इज सीलेटा और सीलियोफोरा। ओके, तो जो इनमें जैसे कि मैस्टिगोफोरा में फ्लैजेलेटा, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगी लोकोमोट्री ऑर्गन में, सार्कोडिना में आपका सीडोपोडिया प्रेजेंट होगा लोकोमोट्री ऑर्गन एंड सैप्रोजोआ में कोई भी लोकोमोट्री ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा, और सीलेटा में सीलियोफोरा में आपका सीलिया प्रेजेंट होगा। तो जो मैस्टिगोफोरा होता है वो एक्वाटिक होता है, पैरासिटिक होता है और म्यूचुअलिस्टिक होता है, यानी कि इसके मल्टीपल हैबिटेट्स होते हैं। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजेला प्रेजेंट होता है और होलोफिटिक होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। एक एग्जांपल से यूनिना, लीशमैनिया, ट्राइकोनिम्फा, ट्रिपैनोसोमा एक्सेट्रा। ठीक है, सार्कोडिया एक्वाटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन सीडोपोडिया प्रेजेंट होता है, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, एसेक्सुअल होते हैं। और इनके एग्जांपल्स हैं अमीबा, एंटामीबा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, सैप्रोजोआ, सैप्रोजोआ जो क्लास के एनिमल्स होते हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, उनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। ठीक है, सीलिएटा, सीलिएटा मीन्स की सीलिएटा ऑर्गेनिजम्स में आपका जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, इनमें सीलिया प्रेजेंट होता है और रिप्रोडक्शन बोथ होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल बोथ रिप्रोडक्शन होता है। और इनके एग्जांपल्स हैं आपके पैरामीशियम, बॉटिसेला जिनको भी बेल एनिमल क्यूज भी कहते हैं, और ब्लैंकिडियम कोलाई। ओके, बेबेशिया बिजेमिना एक ऑर्गेनिज्म है जो कि क्लास सैप्रोजोआ का है, और ये कॉज करता है हमारे कैटर्स में एक डिजीज कॉज करता है। ठीक है, जिसको कि रेड वाटर फीवर कहते हैं, रेड वाटर फीवर। इस डिजीज में कैटल्स का जो यूरिन होता है वो रेड हो जाता है। ठीक है, और ये डिजीज आगे सीजन को इफेक्ट करती है, इसलिए कैटल का यूरिन रेड हो जाता है और कैटल्स में बेरेशिया बेजिमिना ये डिजीज कॉज करता है। सीलिएटा क्लास का एक और ऑर्गेनिज्म है ब्लैंटिडियम कोलाई। ब्लैंटिडियम कोलाई ये पैरासाइट है, ब्लैंटिडियम कोलाई पैरासाइट है और ये ह्यूमन बींग्स में डायरिया कॉज करता है। ओके, ब्लैंटिडियम कोलाई ह्यूमन बींग्स में डायरिया कॉज करता है। ठीक
बहुत से पैरासाइट से होता है, काफी पैरासाइट प्रोटोजोअन पैरासाइट से होता है, अमीबा हिस्टोरेटिका से भी डायरिया कॉज होता है, ब्लैंटिडियम कोलाई से भी डायरिया कॉज होता है, और ब्लैंटिडियम कोलाई एग्जाम्पल है आपका क्लास सीओ4 का, ओके। और इनमें हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अच्छा, इसमें दो चीजें, इसमें फॉलिकल प्रेजेंट होता है, फॉलिकल इन जो भी इनमें जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें फॉलिकल प्रेजेंट होता है। सो कुछ डिजीज है क्रोमोसोम्स की, लीशमानिया रोडोवानी, लीशमानिया डोनोवानी, लीशमैनिया डोनोवानी फीवर कॉज करता है, उसका नाम है लीशमैनियासिस। इसे डमडम फीवर भी कहते हैं, और कालाजार भी कहते हैं, ठीक है। लीशमैनिया डोनोवानी, लीशमैनिया आपका पैरासाइट है, ट्राइकोनिंफा, ट्राइकोनिंफा टर्माइट के इंटेस्टाइन में रहती है, और ये लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स, और ये सेलुलोज का डाइजेशन करती है। इसके सेलुलोज डाइजेशन करती है, इनमें म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है इन बिटवीन टर्माइट्स एंड प्रोटोजोआ, टर्माइट्स एंड प्रोटोजोआ ट्राइकोनिंफा। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन टर्माइट्स एंड ट्राइकोनिंफा, ओके। तो जो ट्राइकोनिंफा आपका पैरासाइट है वो टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में रहता है, सेलुलोज का डाइजेशन करता है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होती है टर्माइट्स के बीच में ट्राइकोनिंफा के बीच में। नेक्स्ट है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये आपका डायरिया कॉज करता है, ये आपका डायरिया कॉज करता है, ठीक है, और ये पैरासाइट है। नेक्स्ट है आपका एंट अमीबा जिंजिवैलिस, एंट अमीबा जिंजिवैलिस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जिंजिवैलिस यानी कि गम में सूज जमा जाना, यानी कि मसूड़ों का सूज जाना, तो एंट अमीबा जिंजिवैलिस कॉज जिंजिवेलाइटिस, एंट अमीबा जिंजिवैलिस कॉज जिंजिवेलाइटिस, ओके। तो जिंजिवेलाइटिस का मतलब है जिंजी गम, वेलाइटिस मींस सूजन, तो मसूड़ों में सूजन आ जाती है और मसूड़ों में सड़न हो जाती है। मैस्टिकोफोरा क्लास का एक ऑर्गेनिज्म है नॉक्टिल्यूका, ये शो करता है बायोल्यूमिनेसेंस, क्या शो करता है बायो लुमिनी सेंस, यानी कि ये चमक शो करता है। नॉक्टिल्यूका बायो लुमिनेसेंस शो करता है, जो नॉक्टिल्यूका है उसकी बॉडी में लुसी फेरिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन लुसीफेरिन, लूसीफेरिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, और ये प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ
ऑफ ऑक्सीजन एंजाइम लुसीफरेज नाम के एंजाइम्स की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये एंजाइम, ये प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है और जिससे प्रेजेंट, जिससे चमक उत्पन्न होती है, जिससे कि ल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस होती है, ल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूसेस। ठीक है, तो क्या होता है, नॉक्टिल्यूका की बॉडी में लुसिफेरिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक एंजाइम होता है लुसिफरेज, उसकी वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है और इससे ल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट होता है और चमक उत्पन्न होती है।